पाठ 15 वाक्य विचार। हम आपस में बातचीत करते हैं, वह वाक्यों में ही करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं, जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण, रजत ने यह पेन प्रभ ज्योत के लिए दिया है। यह प्रभ ज्योत रजत दिया है ने पेन के लिए। दोनों शब्द समूह को पढ़ने पर पता चल रहा है कि पहला एक अर्थपूर्ण वाक्य है, जबकि दूसरा निरर्थक वाक्य है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? इसके दो कारण हैं। कोई शब्द समूह वाक्य कहलाए, इसके लिए उसे दो शर्तें पूरी करनी होती हैं। शब्द समूह में शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। शब्द समूह से कोई निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। इसी आधार पर उपर्युक्त प्रथम शब्द समूह वाक्य की श्रेणी में आता है तथा द्वितीय शब्द समूह वाक्य की श्रेणी में नहीं आता है। वाक्य के गुण, वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द अर्थवान होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द मिलकर अर्थ प्रदान करने की योग्यता रखते हों। जैसे हम इधर खाया, वाक्य में खाया शब्द में वांछित अर्थ प्रदान करने की क्षमता नहीं है, अतः यह शुद्ध वाक्य है। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ को समझने में बाधा ना पड़े। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार ही क्रम में प्रयोग किए जाने चाहिए। जैसे मैंने केवल एक केला खाया, केवल मैंने एक केला खाया, केवल मैंने ही एक केला खाया, अन्य ने नहीं। इन दोनों वाक्यों में केवल शब्द के अलग अलग प्रकार से प्रयोग करने पर वाक्य का अर्थ बदल गया है। इसलिए वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए। वाक्य के अंग। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, प्रत्येक वाक्य में किसी न किसी वस्तु के विषय में कुछ न कुछ कहा जाता है, जिसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, किसी वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। रजत खाना खा रहा है, ओविया गाना गा रही है। उपर्युक्त वाक्यों को हम दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे, खंड क उद्देश्य, खंड ख विधेय। रजत खाना खा रहा है, ओविया गाना गा रही है। खंड क में आए रजत और ओविया उद्देश्य हैं, क्योंकि वाक्यों में इन्हीं के विषय में कुछ कहा गया है, तथा खंड ख के अंतर्गत आए खाना खा रहा है तथा गाना गा रही है शब्द समूह विधेय हैं, क्योंकि ये सभी उद्देश्य के विषय में कुछ बता रहे हैं। कुल मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य होता है तथा शेष कर्म और क्रिया आदि विधेय। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर बनावट के भेद, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को 8 भागों में बांटा जा सकता है, विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। विधानार्थक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध हो वे विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, किसान हल चलाता है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से पता चलता है, अतः ये विधानार्थक वाक्य है। निषेधार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में निषेध अथवा नकारात्मकता होती है वे निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्रेया अंशु को नहीं जानती है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। उपर्युक्त वाक्यों में कथन का निषेधात्मक रूप हमारे सामने आता है, अतः ये निषेधार्थक वाक्य है। इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद या शुभ कामना व्यक्त होती है वे इच्छार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे मेरी इच्छा है रमेश पढ़े, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। उपर्युक्त वाक्यों में मानवीय मन की इच्छाएं प्रदर्शित हो रही है, अतः यह इच्छार्थक वाक्य है। प्रश्नार्थक वाक्य, जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं
अर्थात जिन वाक्यों से वक्ता कोई प्रश्न पूछता है वे वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या महेश पढ़ रहा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। उपर्युक्त वाक्य हमें किसी न किसी प्रकार के प्रश्न का बोध करा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञार्थक वाक्य जिन वाक्यों द्वारा आशा, अनुमति, विनय, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि पिताजी कहते तो सुरेश पढ़ता, जाओ जाकर सो जाओ। उपर्युक्त वाक्यों से अनुमति तथा आज्ञा के भावों का बोध हो रहा है, अतः ये आज्ञार्थक वाक्य है। संकेतार्थक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो अच्छा होगा, यदि दवा लोगे तो जल्दी अच्छे हो जाओगे। उपर्युक्त वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति पर ही कार्य के सफल होने की बात कही गई है, अतः ये संकेतार्थक वाक्य है। संदेहार्थक वाक्य जिन वाक्यों में संदेह या संभावना की झलक देखने को मिलती है वे संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद अमन पढ़ रहा है, वह खाना खा चुका होगा। विस्मय आदि बोधक वाक्य जिन वाक्यों द्वारा मनुष्य की शोक, घृणा आदि के तीव्र मनोभाव प्रकट हों, वे वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे सुरेश पढ़ रहा है। उपर्युक्त दिए गए वाक्यों में मनुष्य के मन के भावों की अभिव्यक्ति हुई है, अतः वे विस्मय आदि बोधक वाक्य है। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। साधारण या सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, अर्थात एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया हो, वह साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। जैसे सियोनी चित्र बनाएगी, शालीन पढ़ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में सियोनी और शालीन उद्देश्य तथा चित्र बनाएगी, पढ़ रहा है विधेय है। इन वाक्यों में एक कर्ता उद्देश्य है तथा उनका एक कर्म तथा एक ही क्रिया विधेय है, अतः ये साधारण वाक्य है। ध्यान रहे कि सरल वाक्य छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा भी हो सकता है। जैसे कमल का भाई खा रहा है, कमल का भाई धीरे धीरे खा रहा है। कमल का भाई अमन अपने मित्रों के साथ होटल में बैठकर धीरे धीरे खा रहा है। संयुक्त वाक्य जहां दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण, समुच्चय बोधक और तथा, परंतु, किंतु, लेकिन, अथवा या आदि से जुड़े हो, वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे रमेश पढ़ रहा है और उसका भाई सो रहा है। माँ खाना बना रही है और बच्चे खाना खा रहे हैं। अंशु अमेरिका गई है परंतु जल्द ही लौट आएगी। उपर्युक्त वाक्यों में दो समान वाक्य और तथा, परंतु, योजकों द्वारा जोड़े गए हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य मिश्र अर्थात मिला जुला, ऐसे प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे मदन ने कहा कि वह कल नहीं आएगा। जिसे जीवन में सफलता चाहिए उसे परिश्रम करना होगा। तुम भी उधर चले जाओ जिधर तुम्हारा भाई गया है। ऊपर के तीन वाक्यों में रंगीन अंश प्रधान वाक्य है और अन्य आश्रित उपवाक्य। ये तीनों ही मिश्रित उपवाक्य है। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार व्यक्त करना होता है तो कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना पड़ता है। ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य उपवाक्य के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य ये उपवाक्य किसी अन्य उपवाक्य पर निर्भर नहीं होते हैं, जबकि इन्हीं के अनुसार वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। आश्रित उपवाक्य ये उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। आश्रित उपवाक्य प्रायः क्योंकि, यदि, जो आदि से शुरू होते हैं। आश्रित उपवाक्य के भेद आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ
कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो परिश्रम करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी, जो परिश्रम करेगा उपवाक्य उसे सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है अर्थात प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे यह वही जगह है जहां हम पहले रहा करते थे। वाक्य परिवर्तन अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। विधानार्थक वाक्य आकाश पढ़ाई करता है, निषेधार्थक वाक्य आकाश पढ़ाई नहीं करता है, इच्छार्थक वाक्य आकाश को पढ़ाई करना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य आकाश पढ़ाई करो, प्रश्नार्थक वाक्य क्या आकाश पढ़ाई करता है, संदेहार्थक वाक्य शायद आकाश पढ़ाई करता है, संकेतार्थक वाक्य मम्मी कहती तो आकाश पढ़ाई करता, विस्मयादि बोधक वाक्य अरे आकाश पढ़ाई करता है। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य संयुक्त वाक्य पिताजी के आते ही अंशु उनसे लिपट गया, पिताजी आए और अंशु उनसे लिपट गया, माँ ने नेहा को डांटकर दूध पिलाया, माँ ने नेहा को डांटा और दूध पिलाया। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य मिश्र वाक्य सज्जन व्यक्ति का सभी आदर करते हैं, जो व्यक्ति सज्जन होता है उसका सभी आदर करते हैं। पिताजी घर आकर बीमार पड़ गए, जब पिताजी घर आए तब बीमार पड़ गए। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य सरल वाक्य दिनेश आया और सो गया, दिनेश आकर सो गया, मैंने प्रश्न हल किया और अध्यापक को दिखाया, मैंने प्रश्न हल करके अध्यापक को दिखाया। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य नेहा आई और सुनीता चली गई, नेहा आई तो सुनीता चली गई। परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त करो, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। हमने सीखा अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य विधेय। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद।